कैंसर पीड़ित बुजुर्ग महिला का सहायक सचिव नहीं बनने दे रहा आयुष्मान कार्ड, जनसुनवाई में कलेक्टर से लगाई गुहार। शिवपुरी जिले के बैराड़ तहसील क्षेत्र के सुमेट गांव की कैंसर पीड़ित एक बुजुर्ग महिला का सचिव आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दे रहा है, जबकि महिला इस समय कैंसर की बीमारी से ग्रसित होकर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। महिला और उसके परिजनों ने आज इसकी शिकायत जनसुनवाई में कलेक्टर को दर्ज कराते हुए आयुष्मान कार्ड बनवाने की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार सुमन शर्मा पत्नी राम संबक शर्मा निवासी ग्राम सुमेट ग्राम पंचायत केमई तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी ने बताया कि वह वर्तमान में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से ग्रसित है, जिसके इलाज के लिए उसे आयुष्मान कार्ड की जरूरत है। इस कार्ड हेतु मैं सभी प्रकार से पात्रता रखती हूँ। इसके बाद भी केमई के रोजगार सहायक राकेश शर्मा से अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आग्रह किया तो मेरा भारी विरोध किया और कहा गया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने में भारी रुपये खर्च होते हैं, बिना लेन देन के कार्ड बनाना संभव नहीं है, उनके द्वारा सरेआम रिश्वत मांगी जाती है। ये रोजगार सहायक हमारे गांव सुमेट का ही रहने वाला है, इसके द्वारा पंचायत सचिव जवाहर धाकड़ से साठगांठ करके अपने पक्ष में करते हुए सचिव को भी मेरे विरोध में खड़ा कर दिया। इस प्रकार से रोजगार सहायक राकेश शर्मा एवं सचिव दोनों ही मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दे रहे। क्या नाम है आपका? कौन से गाँव से आए हो? आप कौन लगते हो इनके? मेरे मित्र, मतलब मेरी मित्र की माँ है। अच्छा, तो इस ये आयुष्मान के लिए आवेदन दिया था, क्या कहा उन्होंने? मैंने कहा तहसीलदार साहब को आदेश कर देते हैं, तहसीलदार साहब आएंगे, वो सब जांच करेंगे, देखेंगे। क्या नाम है आपका? यूजन शर्मा। आज कलेक्ट्रेट आए हो, क्या समस्या लेके आए हो? समस्या आयुष्मान कार्ड बनवाना, वो बन ही नहीं दे रहा है हमारा। कौन नहीं बनने दे रहा? वगैरह। क्या नाम है सेक्रेटरी का? राकेश शर्मा। क्या कहता है वो? परेशान कर रहा, 5-6 महीने हो गए। क्या कहते था वो? अच्छा, क्या समस्या है आपकी जिनको? कैंसर की समस्या है। अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं? यहाँ कलेक्ट्रेट में आए थे, क्या आश्वासन दिया आपको? नहीं, अभी आवेदन दिया ना आपने कलेक्ट्रेट में?